चलिए ले लेते हैं ब्राउन ब्रेड स्लाइस। या अब मैंने एक ले लिया है बढ़िया सा प्याज, प्याज को बारीक काट लेना है, फाइनली चॉप कर लेना है। देन लेना है मोजरेला चीज़, रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुछ बटर टोस्टेड के लिए, टोस्टिंग के लिए कुछ बटर। ले लेना है मेयोनीज, हाँ दोस्तों ले लेना है पिज़्ज़ा मसाला। एंड ये हो गया हमारा सामग्री। एक तवा ले लेना है या पैन ले लेना है। चलिए जो हमारा ब्राउन ब्रेड स्लाइस ले एक ले लेते हैं। अब ब्राउन ब्रेड स्लाइस में हम अपना जो कटा हुआ प्याज है उसे हम अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह आपको ड्रेसिंग करना है प्याज को ब्राउन ब्रेड के ऊपर। कुछ ग्रीन चटनी की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल और बढ़िया सा ऑनियन चीज़ सैंडविच। चलिए उसके बाद हम डाल देंगे लगभग थोड़ा सा जी पिज़्ज़ा मसाला, इसमें ऑरिगेनो, फिर ड्राई गार्लिक, थोड़ा सॉल्ट, पेपर्स, ये सब एडिट होता है। मैं इसका इंग्रेडिएंट बाद में बता दूंगा। चलिए ये कुछ इस तरह हमने स्प्रेड कर लिया है ऑनियन के ऊपर हमारा पिज़्ज़ा मसाला। देन हम डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मोज़रेला चीज़। बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। चलिए ये हमने डाल दिया मोज़रेला चीज़, चारों तरफ स्प्रेड कर लीजिए, सब जगह इक्वली आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम डाल देंगे हाँ फिर से हमारा पिज़्ज़ा मसाला। दोस्तों फिर से हमने पिज़्ज़ा मसाला डाल दिया है, स्प्रेड कर लिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर या पेपरिका भी बोल सकते हैं, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर हमने स्प्रेड कर लिया है थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए। चलिए ये हमारा ड्रेसिंग हो चुका है। अब इसमें जान डालने के लिए और मैं थोड़ा सा जी हाँ मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। ये मैं सेकेंड दो लेयर्स में बना रहा हूँ, आप सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं। चलिए अब हमें डाल देना है भर भर के मेयोनीज़। हाँ दोस्तों मेक श्योर कि मेयोनीज़ आप बीच में ही स्प्रेड करें, अदरवाइज साइड में करेंगे जैसे ही आप ब्रेड से प्रेस करेंगे ये बाहर आ जाएगा। चलिए हमने एकदम सेंटर में मेयोनीज़ डाल दिया है सर्कल करके। अब ये हमारा ड्रेसिंग तैयार। अब ऊपर से और एक ब्रेड का जो स्लाइस है वो हम प्रेस कर लेंगे, कंप्रेस कर लेंगे। अब बारी है इसकी टोस्टिंग की बारी। चलिए टोस्टिंग करने से पहले हमने एक चम्मच बटर डाल दिया है गर्मा गर्म पैन पर। अब इसी के ऊपर हमारा ड्रेसिंग किया हुआ जो ब्रेड स्लाइस है वो हम रोटेट करके डाल देंगे ताकि इस बटर के थ्रू ये अच्छी तरह से टोस्ट हो सके। चलिए दोस्तों थोड़ा कंप्रेस कर लेते हैं ताकि वो एकदम चिपक जाए मसाले के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ। थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ताकि बटर जो है चारों तरफ लग सके। चलिए इसे टोस्ट होने देना है, ऐसे तब तक टोस्ट होने देना है जब तक गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी ना हो जाए। चलिए होने के बाद हमें करना है पलटी। पलटी करने के बाद, रिवर्स करने के बाद फिर से एक चम्मच बटर डाल देना है दोस्तों। चलिए बटर डाल दिया है। अब ये बटर के ऊपर फिर से हमारा जो रिवर्स किया हुआ ब्रेड है वो हम इसके ऊपर रोटेट कर लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे, डाल देंगे ताकि इस बटर के थ्रू वो टोस्ट हो सके। चलिए हमारा दूसरा भी तैयार ड्रेसिंग के साथ, ये भी हम डाल देंगे उसी के बगल में। चलिए ब्रेड हमने बटर डाल दिया है, अब हमने ये भी ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसे भी हमें ब्राउन क्रिस्पी टोस्ट होने तक जी हाँ लो फ्लेम में पकाना है, टोस्ट कर लेना है। चलिए देखिए दोनों तरफ किस तरह गोल्डन ब्राउन एकदम टोस्टेड हो चुका है दोस्तों। ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी करारा करारा और चीज़ी मीज़ी होने वाला है दोस्तों। चलिए हमारा कुछ इस तरह तैयार हो चुका है ऑनियन चीज टोस्टेड सैंडविच, प्योर वेज प्योर यम्मी। अब इसे हमें निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं काला नहीं करना है दोस्तों, गोल्डन ब्राउन ही रहने दीजिए। देखिए कुछ इस तरह टेक्सचर्स हो चुका है, किस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे हम दो हिस्से में काट लेंगे और हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये बनाए। देखिए चीज़ अभी कैसा, चीज़ और मेयोनीज किस तरह उभर के आ रहा है दोस्तों,
बहुत अच्छा लग रहा है, मुंह से पानी आ रहा है। दोस्तों आप ट्राई जरूर कीजिए, देखिए कुछ इस तरह। वाओ सीरियसली, ये है हमारा ऑनियन चीज टोस्टेड सैंडविच, बढ़िया सा। वाओ चलिए इसे हम टमाटर केचप के साथ गर्मा गर्म खा लेंगे।